नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पार्ट नंबर 4 मिलकर करें सफाई, जो कि आपकी पर्यावरण की किताब से लिया गया है, उससे संबंधित चर्चा करेंगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, एसवी एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 में पर्यावरण का पार्ट नंबर 4 मिलकर करें सफाई का भाग 2 पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में पढ़ा कि एक विद्यालय में 2 अक्टूबर पर गांधी जयंती मनाई जा रही थी और उसके संबंध में विद्यालय में जो था वो स्वच्छ भारत मिशन के तहत साफ सफाई की जा रही थी। इसके पश्चात हमने ये पढ़ा कि स्वच्छ भारत मिशन जो है वो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो राष्ट्रीय स्तर का अभियान है। इसका उद्देश्य क्या था? गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थल को साफ सुथरा करना। ये अभियान महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया था, तो जिसमें स्वच्छता के संबंधित इस पाठ में आपको स्वच्छता से संबंधित जानकारी दी गई है। इसके पश्चात उन्होंने और भी कई चीज़ें बताई, जैसे कि सफाई करने वाला श्रेष्ठ है, कचरा फैलाने वाला नहीं। यानी कि जो सफाई करता है वही श्रेष्ठ माना जाता है, कचरा फैलाने वाला नहीं। और इसमें गंगा की भाभी जो है वो सफाई संबंधी कुछ बच्चों को ज़रूरी तथ्य समझा रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि हम अपनी कक्षा में पेंसिल के छिलके, टॉफ़ी के रैपर्स वगैरह नहीं फेंकेंगे। ये हमें नियम बना लेना चाहिए। हम दीवारों, फर्श और फर्नीचर पर नहीं लिखेंगे, उन्हें गंदा नहीं करेंगे। हम जगह जगह नहीं थूकेंगे और कचरा भी नहीं फेंकेंगे। हम रोज़ नहाएंगे और साफ कपड़े पहनेंगे। हम प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करेंगे। हम हमारे गली मोहल्ले, घर, स्कूल और सार्वजनिक स्थानों पर सफाई पर पूरा योगदान करेंगे। और जब हम बाज़ार में सब्जी, किराने का सामान आदि खरीदने जाएंगे तो कपड़े का थैला जरूर साथ में लेके जाएंगे। यहाँ तक हमने सफाई से संबंधित पाठ पढ़ा। अब आगे का देखो उन्होंने क्या बताया है कि गांधी जी के आश्रम में कोई भी व्यक्ति जाता था तो उसे दैनिक कार्य में सर्वप्रथम शौचालय साफ करने का कार्य दिया जाता था। कि गांधी जी के आश्रम में अगर कोई व्यक्ति जाता था तो जो उसके दैनिक कार्य होते थे उसमें सबसे पहला कार्य उसे शौचालय साफ करने का दिया जाता था। वह व्यक्ति जब इस कार्य को अच्छी तरह कर लेता था तो उसके पश्चात ही उसे अन्य कार्य दिए जाते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो हैं वो स्वच्छता और सफाई को सर्वाधिक महत्व देते थे। आज सारे देश में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि सड़कें, स्टेशन, बस स्टैंड आदि साफ सुथरे मिले। घरों में कूड़ा और जो कूड़े का पात्र है वो अवश्य हो, साथ ही कचरे का पुनः चक्रण द्वारा निस्तारण किया जाना चाहिए। जो कचरा है ना उसका पूर्ण, मतलब कि जो पूर्ण चक्रण, जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो दोबारा उपयोग में लाई जा सकती हैं, उसका पूर्ण चक्रण किया जा सकता है, उसका भी निस्तारण जो है कूड़े कचरे में। जैसे कुछ वस्तुएं ऐसी हम गिरा देते हैं जिनका पुनः चक्रण कर कर उनको दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उनका हमें उपयोग करना चाहिए। तो इसमें आप बता रहे हैं कि इस पाठ में हमने क्या क्या सीखा। स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई आवश्यक है, हमें अपनी सफाई स्वयं करनी चाहिए और सफाई का दिखावा नहीं करना चाहिए, बल्कि सफाई करना हमारी आदत बननी चाहिए और शौचालय में ही शौच करना चाहिए, खुले में नहीं जाना चाहिए। तो अब कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो आपको मैं ब्लैकबोर्ड पर करवाऊंगी। आप उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे। तो अपनी कॉपी और किताब निकालो और मेरे साथ प्रश्न लिखना शुरू करो, और इन प्रश्नों को आप लिखोगे और साफ साफ लिखोगे और इनको याद भी करोगे। तो अपनी कॉपी किताब निकाल के प्रश्न लिखना शुरू करें। जैसा कि आपने अभी सफाई से संबंधित पाठ में पढ़ा, अब हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। आप अपनी कॉपी का
नाम निकालिए और प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करिए। सबसे पहला प्रश्न क्या आ रहा है कि
गली मोहल्ले में कचरा गंदगी का क्या कारण है? मैंने पूछा है कि गली मोहल्ले में गंदगी का कारण ये है कि हम लोग साफ सफाई की ओर जागरूक नहीं है, कि हमारे अंदर है ही नहीं ये चीज कि हम साफ सफाई रखें। तो एक तो सबसे बड़ा कारण ये हो गया कि हमें इस सफा साफ सफाई के प्रति जागरूक नहीं है, और दूसरा हमारा कारण है कि हम कूड़ा कचरा इधर उधर नहीं देते हैं। कहीं भी हम अगर मान लो अगर हम बस से जा रहे हैं, अगर हमने कुछ खाने का सामान दे रखा है तो हम उसका कचरा, जैसे मान लो कि कई बार बस में कुछ लोग मूंगफली खा रहे होते हैं, वो उसके छिलके कि कचरा हम कहीं भी फेंक देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। अब कहीं भी हम फेंकिए तो किसी ना किसी का गली मोहल्ला तो होता ही है। तो सबसे बड़ा कारण क्या बताया है कि हम लोग सफाई के प्रति जागरूक नहीं है और कूड़ा कचरा इधर इधर उधर फेंक देते हैं, जिस कारण गली मोहल्ले में कचरा गंदगी रहती है। तो ये तीन प्रश्न मैंने आपको कराए, इन तीन प्रश्नों को आप कॉपी में साफ साफ लिखेंगे। दोबारा से समझा रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ? ये मिशन महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ किया गया। उसके पश्चात है क्या गली मोहल्ले की साफ सफाई की हमारी कोई जिम्मेदारी है? हाँ, अपनी गली मोहल्ले की साफ सफाई की जिम्मेदारी हमारी है। उसके पश्चात उन्होंने पूछा है गली मोहल्ले में कचरा गंदगी का क्या कारण है? कि गली मोहल्ले में गंदगी का कारण ये है कि हम लोग साफ सफाई की ओर जागरूक नहीं है और कूड़ा कचरा इधर उधर फेंक देते हैं। तो ये तीन प्रश्न आप अपनी कॉपी में साफ साफ और सुंदर सुंदर लिखेंगे और इनको अच्छी तरह से आप याद करेंगे। तो इनको फटाफट से देखो और कॉपी में जल्दी जल्दी उतारो।